प्रथम तहलका न्यूज। मैट्रिमोनियल साइट पर अपना जीवन साथी तलाशना एक आम बात हो गई है, लेकिन अधूरी जानकारी से मैट्रिमोनियल साइट पर जीवन साथी की तलाश लोगों के लिए परेशानी भी खड़ा कर सकती है। कुछ लोग मैट्रिमोनियल साइट पर झूठे प्रोफाइल बनाकर लोगों को शादी का झूठा झांसा देकर इसकी एवज में अलग अलग बहाने बनाकर पैसे ऐंठते हैं। एक ऐसे ही गिरोह के 4 सदस्यों को साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चिनौतो रॉय अकाता, अजय आतिफ अली व एक महिला आरोपी शामिल है। आरोपी चिनौतो रॉय अकाता नाइजीरियन है। सभी आरोपी फिलहाल दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अमरीक की मुलाकात आरोपित लड़की से संगम नामक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, जहां पर लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड का बताकर उससे दोस्ती कर ली। लड़की ने अमरीक को फोन करके बताया कि वो लगभग 88 लाख का सामान अपने साथ लेकर आ रही है और एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया है। इसके पश्चात उसने अमरीक की अपने ही आरोपी साथी से बात करवाई, जिसने कस्टम अधिकारी बनकर अमरीक से बात की और कहा कि कस्टम की कागजी कार्रवाई के लिए उन्हें 5,78,000 रुपए भरने पड़ेंगे। लड़की ने अमरीक को कहा कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं और मदद के नाम पर उसे पैसे भेजने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक अमरीक ने लड़की की बातों में आकर उनसे फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसे अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का पता चला तो वो हक्का बक्का रह गया और पुलिस थाने जा पहुंचा। जो 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये मैट्रिमोनियल साइट पे फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें एक मैट्रिमोनियल साइट है संगमा मैट्रिमोनी, जिस पर हमारा जो कंप्लेनेंट है उसने अपना प्रोफाइल डाला हुआ था। वहाँ उसकी एक औरत से बात होनी शुरू होती है, जो औरत अपना नाम उस पर उसको स्वाति बताती है और उससे चैटिंग शुरू करती है। धीरे धीरे उनमें बातचीत बढ़ती चली जाती है। फिर वो अपना भाई का परिचय उस व्यक्ति से करवाती है, जो अपना नाम चेतन बताता है। फिर उनसे बात करते करते आपस में शादी के लिए बात आगे बढ़ती है और वो कहते हैं कि भाई हम आपको देखने के लिए इंडिया आएंगे। जो औरत है अपने आप को नीदरलैंड एमस्टर्डम की बताती है और अपने आप को वहाँ पर एक हॉलैंड हॉस्पिटल है उसमें कार्य करता हुआ बताती है। उसके बाद वो एक डेट तय करते हैं इंडिया आने के लिए। जिस दिन वो इंडिया आते हैं, उस दिन जो व्यक्ति हमारा कंप्लेनेंट है उसके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट से फ़ोन आता है, बोल भाई ये जो दो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे थे ये एयरपोर्ट पर डिटेन किए गए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसा सामान है जिसकी कीमत 88 लाख रुपये और इनका टैक्स इन्होंने पे नहीं किया है। जो इसका टैक्स पे करने के लिए हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, अगर आप इनका पे कर देते हैं तो छूट जाएंगे, अन्यथा इनको जेल जाना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने बातों में लगाकर काफ़ी सारी परेशानियां बताकर इनसे 5,78,000 रुपये ठग लिए। उसके पश्चात हमारी टीम ने टेक्निकल वर्क करते हुए इनको ढूंढ निकाला और उसमें 4 आदमियों को अरेस्ट किया, जिनमें से 3 आदमी जुडिशियल भेजे जा चुके हैं और एक अभी हमारे पास 7 दिन के रिमांड पर है। ये फिलहाल रहते कहाँ थे और जो कंप्लेंटर है वो उसने जो है कितने क्या शिकायत दी थी और प्रेस की मशक्कत कितनी करनी पड़ी? जो व्यक्ति हमने अरेस्ट किए हैं, 2 व्यक्ति तो उनमें से तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहते थे और एक जो व्यक्ति जसोला दिल्ली से हमने अरेस्ट किया है और एक को फरीदाबाद से हमने अरेस्ट किया है। देखिए, ये जो अपराध करते हैं, अपराधी काफ़ी चालाक किस्म के होते हैं जो साइबर ठग हैं, लेकिन हमने हमारी टीम ने काफ़ी सारी मेहनत करते हुए इनको ट्रेस किया और अरेस्ट कर लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे हम लोगों से? हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति से मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर हमने कोई भी फोटो देखते हैं, अगर व्यक्ति बार बार अपनी डीपी बदल रहा है, प्रत्येक डीपी को ध्यान से देखें, वो व्यक्ति आपसे ऐसी बातें कर रहा है जो पैसे मांग रहा है या धीरे धीरे अपनी परेशानियां बताने लगता है, तो उस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश बोल के आपसे बात कर रहा है उससे हिंदी में बात करने के लिए कहिए, क्योंकि नाइजीरियन ही हमने इसमें भी एक अरेस्ट किया है। काफी सारे मैट्रिमोनियल साइट पर नाइजीरिया से आए हुए लोग इस ठगी को कर रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 50,900 रुपए नगद और वारदात में प्रयोग 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के फर्जी बैंक खाते में पिछले 6 माह में करीब 60 लाख रुपए का लेन देन पाया गया। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।